और आज समाजवादी पार्टी को जीत मिली, क्या कहना चाहेंगे? आज की जीत बलिया के जनता की जीत है और ये स्पष्ट रूप से कि आज की जीत इंगित करती है कि लोग जितना भारतीय जनता पार्टी की लूट, उत्पीड़न और अत्याचार से त्रस्त हैं, जिस प्रकार कमर तोड़ महंगाई में शामिल होकर के सरकार ने लोगों को बर्बाद करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के दिन पूरे हो गए हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका सुपड़ा साफ होगा उत्तर प्रदेश से, शुरुआत बलिया से। जिस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए, इसके बावजूद भी आपने जीत दर्ज की, क्या कहते हैं? देखिए, मुझको तो इतनी भद्दी गालियाँ दी गई हैं कि उनका उल्लेख भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो संस्कार है वो उनको मुबारक हो। मैं किसी ऐसे गलीज आचरण के व्यक्ति की किसी टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं जिसको इस बात का शौर हो। और मेरा एक और मानना कि अगर ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी का माना जाए बहुत गंभीर बात होगी, मैं ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को अगर अपने सीने से चिपका कर रखना है, रखना चाहती है, सिर पे बिठा कर रखना चाहती है और वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसके बारे में उनकी धारणा अच्छी है। तो जिस तरीके से 6 लोग वहाँ पर फर्जी मतदान के लिए करने आए थे उनको भी पकड़ा गया था, क्या कहना चाहेंगे? सबसे गंभीर बात आज के बलिया चुनाव में जो हुई है वो ये है कि जब तक बाकी मतदाताओं के लिए गेट खुले उसके पहले ही 7 फर्जी मतदाताओं को प्रवेश दिया गया, ये अनायास नहीं हो सकता, ये बिना महत्वपूर्ण लोगों के शामिल हुए नहीं हो सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सिर्फ फर्जी मतदाता नहीं, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार, फर्जी उन्होंने प्रमाण पत्र अपनी जीत का तैयार किया दूसरों के नाम, फर्जी उन्होंने आई कार्ड तैयार किए उसी सदस्य को वो इंपर्सोनेट करना चाहते, जिसको पर्सोनेट करना चाहते थे, जिसके बदले वोट देना चाहते थे, उसका उन्होंने आधार कार्ड बनवाया फर्जी। तो इतनी बड़ी साजिश और इतना बड़ा अपराध, ये फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और पूरी तरह से इसको जो इस लोकतंत्र के में चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्णय को लूटने का जो कार्य किया जा रहा था, जो साजिश थी, वो साजिश तो विफल हुई अपनी जगह पर, लेकिन इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए और मैं निश्चित रूप से मांग करूंगा इसकी उच्च स्तरीय जांच की, किन लोगों ने उनको अंदर प्रविष्ट कराया और कैसे वो वहाँ तक इन डॉक्यूमेंट्स के साथ गए और फिर पकड़े जाने के बाद किस तरीके से उनको रिश्तेदारों की तरह छोड़ दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है, समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे है, तो 2022 के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन जिलों में आगे है उन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की क्या संख्या थी ये तो लिस्ट है, प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के जितने सदस्यों को लड़ाने का फैसला पार्टी ने किया था उसकी लिस्ट है और जीते हुए लोगों की भी लिस्ट है। आप पत्रकार हैं, आप स्वयं पता कर लीजिए, आपके पास उसका आंकड़ा होगा कि अगर 2 सदस्य जीते हैं और चेयरमैन का होता है तो ये किस खेल से होता हो, ये आप तय कर लीजिए। इसलिए मुझे उसके बारे में कोई बहुत लंबी बात नहीं करनी है, लेकिन ये खेल 2022 में चलने वाला नहीं है क्योंकि वो एक जिला पंचायत में 17 सदस्य, 28 सदस्य, 55 सदस्य, 58 सदस्य का नहीं है, 23 करोड़ लोगों को फैसला करना है, ये गिनती का वोट नहीं होगा 2022 में। खेल खत्म, एक नया खेल शुरू हुआ है ये और भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म। तो क्या आप समाजवादी पार्टी 2022 में आएगी? मैंने उत्तर दे दिया है, मैं समझता हूँ आप प्रश्न पर प्रश्न कर।